सकते हैं पीछे से आपको कुछ ऐसा मंदिर देखने के लिए मिलेगा जो काफी यूनिक है, और वहां से आज हेलो बोल रहा है। और यहां पर लिखा हुआ है मसानी दरबार, माँ मसानी दरबार। हेलो भागलपुर वासियों, तो कैसे हैं आप सब? आओ पास सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं भागलपुर का प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर, बूढ़ानाथ मंदिर। तो चलिए आपको दिखाते हैं बूढ़ानाथ मंदिर। जैसा कि आज सोमवार है, सोमवार के दिन में किस तरह का भीड़ होता है बूढ़ानाथ मंदिर में, वो सभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी जैसा कि देख सकते हैं, हमें भागलपुर का जो जंक्शन है उसके वहीं पर खड़े हैं। पीछे देखते हैं आला भागलपुर दिख रहा होगा, और यहाँ पर देखते हैं सामने जंक्शन है। तो चलिए गाइस, यहाँ से टोटो पकड़ते हैं और फिर बूढ़ानाथ मंदिर चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं। और मेरे साथ आया मेरा मित्र दोस्त लालजीत, हम भी जाएंगे। हाँ, तो इसका वीडियो लालजीत ब्लॉग पे देखिए और मेरा देखिए मिस्टर रेडा ब्लॉग पे। तो चलिए दोनों मिलके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भागलपुर जंक्शन, और यहीं पे बगल में टोटो आप सबको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो टोटो लेकर के भी आप जा सकते हैं या तो पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखने बहुत सारे दुकान आप सबको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुरब्बा और जो भी है सभी कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे गुपचुप भी मिल जाएंगे, और यही है रास्ता बाहर निकलने का। चलिए बाहर निकलते हैं और वहाँ पे देखते हैं सामने चौक है। अभी हम जस्ट स्टेशन से बाहर निकले और यहाँ पे देखते हैं एक चौक है। चौक के सामने एक रास्ता जाता है जो जाता है भागलपुर मार्केट, और इसी रास्ते से हम जाने वाले हैं बूढ़ानाथ मंदिर। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं, और कितना दूर पड़ता है वो भी मैं आप सबको बताता हूँ। देखते हैं किस तरह का यहाँ का मार्केट है और भी सभी कुछ, और यहाँ पे देखते हैं हर चीज़ आप सबको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी रास्ते से शाह मार्केट भी जाता है। तो खलीफा बाग जो है काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है मार्केट, तो वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। खलीफा बाग भी इसी रास्ते से जाता है, इसी रास्ते से खलीफा बाग पहुँच सकते हैं आप, और बाबा बूढ़ानाथ मंदिर भी। हाँ, और बूढ़ानाथ पार्क भी जा सकते हैं। तो गाइस, रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद आप सबको दिखेगा ये शाह मार्केट, और शाह मार्केट के जस्ट आगे है खलीफा बाग चौक। तो गाइस, चौक से सीधे जाना है, तो चौक से सीधे जाएंगे तो बूढ़ानाथ मंदिर आप सबको देखने को मिलेगा, आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस, बने रहिएगा इस ब्लॉग में, और अभी हम आपको दिखाते हैं ये खलीफा बाग चौक, और जहाँ पे देखते हैं यहाँ पे फुचका है, पानी पूरी, और इधर देखते हैं बहुत सारे दुकान है। और गाइस, यहाँ का सॉफ्टी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो कौन कौन यहाँ का सॉफ्टी खाए हो कमेंट में बताना। और देखो यहाँ पे किस तरह से भीड़ रहता है चौक पे, गाड़ियाँ इधर से उधर होती रहती है, और इधर बगल में सॉफ्टी आप सबको मिलेगा। तो यही दुकान है फेमस, सॉफ्टी का, हाँ, जो कि फेमस है। हम लेकिन खाए वो जो सेकेंड क्लास में जो आपको दिख रहा था उसमें हम खाए बार बार, इसमें एक बार भी नहीं गए हैं। मतलब ये इसमें लाइट है ना, इसमें कुछ अच्छा तरीके से सजाया गया, इसी वजह से खाने। हाँ, तो कमेंट में बता देना कि कौन कौन यहाँ का सॉफ्टी खाए हो। और अभी चलते हैं आगे बूढ़ानाथ मंदिर आप सबको दिखाते हैं। भागलपुर का मोमोज का दुकान जो काफ़ी फेमस है, ये अभी ये फिलहाल में बंद है, वो सेकेंड टाइम में ओपन होता है। तो गाइस, खलीफा बाग से थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद आप सबको देख सकते हैं दो रास्ते मिलेंगे, ये जो सीधे जाता है और एक थोड़ा जो कि लेफ्ट साइड जाता है। लेफ्ट साइड ही आप सबको चले जाना है, जो कि रास्ता बूढ़ानाथ मंदिर जाता है। तो चलिए चलते हैं। और गाइस, बूढ़ानाथ मंदिर में जो कि सुने हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। पहली बार हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बूढ़ानाथ मंदिर, और ये मेरा दोस्त तो कितना बार गया। तो गाइस, हम भी जा रहे हैं दूसरा बार जा रहे हैं। तो गाइस, हम पहली बार जा रहे हैं, तो मेरे लिए सब कुछ एकदम नया होने वाला है बूढ़ानाथ मंदिर का। शायद पार्क तो गए हैं एक बार, लेकिन बूढ़ानाथ मंदिर नहीं गए हैं, सोच सकते हैं गाइस। और चलिए इस रास्ते से चलते हैं, और इस रास्ते से भी आगे बढ़ने के बाद आप सबको राइट मुड़ जाना है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको। तो गाइस, आप सबको बता दें, अगर आप सबको पैदल नहीं आना है तो आप स्टेशन से डायरेक्ट टोटो पकड़ के आ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोलना है उसको कि मुझे बूढ़ानाथ मंदिर जाना है, उसको वो आपको पहुंचा देगा उस रास्ते पे, मतलब उस जगह पे जहां से आप बूढ़ानाथ मंदिर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा भी मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। रोड पर उतारेगा, दो तीन कदम चलिएगा तो आप बूढ़ानाथ मंदिर पहुँच जाइएगा। तो अभी देख सकते हैं, अभी थोड़ा दूर बचा हुआ है, और जो कि हम सब पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि पैसा बचा रहे हैं, तो इसीलिए पैदल ही जा रहे हैं। चलिए गाइस, आपको भी लेके जा रहे हैं साथ। तो गाइस, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर मेन रोड के पास जो चौक पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप ऑटो से आइएगा तो आसानी से यहाँ पर 10 रुपया में स्टेशन से यहाँ आ जाइएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा गेट आपको देखने के लिए मिलेगा जो बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के पास जाता है एंड पार्क के पास जाता है। एंड आप जैसे कि यहाँ ये साइड से राइट साइड आपको देख रहे हैं, ये जाता है तिलकामांझी 0 माइल, और लेफ्ट साइड जाता है, ये लेफ्ट साइड जाता है नाथ नगर मुंगेर, जहाँ भी जाना आपको यहाँ से जा सकते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं कितना ज़्यादा जाम है, एकदम क्राउड पूरा है। और यहाँ से ये सामने वाला है जो
जाता है रास्ता, इसी रास्ते से चलते हैं और यही इसी रास्ते में है बाबा बूढ़ानाथ का मंदिर। तो देख सकते हैं किस तरह से क्राउड यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखते हैं जो कि पूजा पाठ का सामान यहाँ पे आप सबको मिल जाएगा, और इधर भी देख सकते हैं पूजा पाठ का यहाँ पे फूल पत्ती सभी कुछ मिल जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं पानी का टैंकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। और चलिए आप सबको दिखाते हैं, और इतना ज़्यादा भीड़ आप सबको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं पीने का पानी निःशुल्क है, और यहाँ पे जो कि श्रद्धालु लोग आते हैं तो उसको पानी दिया जाता है निःशुल्क पीने के लिए। चलिए अब चलते हैं आगे, सॉन्ग चल रहा है यहाँ पे तो इसका कॉपीराइट आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे एंड थोड़ा सा रोक देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये पीछे का सीन आपको मंदिर का दिखेगा, काफ़ी यूनिक लग रहा होगा देखने में। और ये रास्ता जो है मंदिर के सामने से होके आता है, अगर मंदिर जैसे कि पूजा करने जैसे कि आते हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गंगा घाट, जो बहुत गंगा घाट है ये जैसे यहाँ पीछे में आपको दिखेगा एक बरगद पेड़ के जस्ट सामने, देख सकते किस तरह से है। और चलते आपको हम दिखाते हैं नज़दीक से यहाँ पर किस तरह से जल जो है लिया जाता है गंगा घाट में, और गंगा घाट जो है बर्फ ज़्यादा ही काफ़ी हो चुका है, इतना पानी हालांकि नहीं रहता है, और सावन के मौसम में देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर पानी देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस हम पहली बार जा रहे हैं तो मुझे उतना अंदाज़ा नहीं कि अंदर क्या क्या देखने को आप सबको मिलेगा, तो बाकी तो जो देखेंगे हम वही आप सबको दिखाएँगे। तो बने रहिए, अभी चलते हैं मंदिर, और यहाँ पे देखते हैं कि यो भी छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जो कि काली माँ का मूर्ति है, और सामने मंदिर का नाम लिखा है तो सामने जाकर के हम दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये मंदिर का द्वार गेट है, देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मसानी दरबार, माँ मसानी दरबार। तो जैसा कि देखते हैं हम प्रवेश कर चुके हैं यहाँ माँ मसानी दरबार में, और देखते हैं किस तरह से अंदर में आपको देखने के लिए व्यू देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ पर बीचों में आपको दिख जाएगा यहाँ पर देखते हैं किस तरह का है, तो काफ़ी यूनिक लगता है देखने में। और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं हम, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तरह से यहाँ पर आके आप पूजा कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पर पूजा करते हैं, और देखते हैं आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको एक प्यारा सा झूमर देखने के लिए मिल जाएगा जो ऊपर में इस तरह से लटका हुआ है, और काफ़ी यूनिक लगता है देखने में। और यहाँ पर जो है किस तरह से फोटो लगा हुआ है माँ काली माँ का, और मसानी दरबार आपको यहाँ पर बाहर में दिखा हुआ, और यहाँ पर इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते गाइस, और बाहर से कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं, और वहाँ जो आप देख रहे हैं वही है बाबा बूढ़ानाथ मंदिर। देख सकते हैं पीछे से आपको कुछ ऐसा मंदिर देखने के लिए मिलेगा जो काफ़ी यूनिक है, और वहाँ से गाइस हेलो बोल रहा है, तो हेलो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलने वाला, और यहाँ पर जो है एक ग्राउंड है। तो गाइस बूढ़ानाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए दो रास्ते आप सबको देखने को मिलेगा, हम जा रहे हैं इस रास्ते से, और आप चाहे तो दूसरे भी रास्ते से जा सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं किस तरह सीढ़ी पर सेल्फी लिया जा रहा है। तो अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का आपको व्यू दिखेगा, और आगे बढ़ने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का आप सबको ग्राउंड मिलेगा, और ग्राउंड के चारों साइड मंदिर आप सबको देखने को मिलेगा, जैसा कि देख सकते हैं सामने बूढ़ानाथ मंदिर आप सबको दिख रहा होगा। और देखते हैं कितनी खूबसूरती के साथ पानी निःशुल्क पानी भी दिया जा रहा था, और यहाँ पे देखते हैं इस तरह का कुछ मंदिर है। और सो फाइनली गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये है मंदिर, बूढ़ानाथ मंदिर का अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी खूबसूरत तरह से यहाँ पर जो है सजाया गया, और काफ़ी प्यारा लग रहा है ये मंदिर देखने में सावन के पावन महीने में, देख सकते किस तरह से फूलों से सजाया गया है, काफ़ी यूनिक लग रहा है देखने में। और ये देख सकते हैं ये मंदिर वो मंदिर, और सबसे मेन मंदिर जो है गाइस जो देखते लंबा वाला आपको दिख रहा होगा वो है, और वहाँ जो है प्रवेश द्वार है महिला और पुरुष का, अलग अलग प्रवेश द्वार है, और एग्जिट जो होते हैं गाइस इधर से आते हैं और उधर से अंदर जाते हैं। तो सारा कुछ आपको हम दिखाते हैं अंदर, चल गए गाइस चलते हैं आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस बूढ़ानाथ मंदिर के अंदर भी बहुत सारे देवताओं के मंदिर आप सबको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे
जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं राम सीता का मंदिर है और इसके बगल में ही देख सकते हैं सूर्य देवता का भी मंदिर है। तो गाइस देख सकते हैं इसी तरह से बहुत सारे मंदिर आप सबको देखने को बूढ़ानाथ मंदिर में मिल जाएंगे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। तो गाइस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए यहाँ पे दो द्वार बनाए गए हैं, एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए। तो ये पुरुष वाले द्वार से हम अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद देख सकते हैं किस तरह का व्यू आप सबको देखने को मिल रहा है। और आगे देख सकते हैं लाइन किस तरह से लगा हुआ है और बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए थे जल चढ़ाने के लिए। अभी हम आप सबको मंदिर के अंदर जा कर के दिखाएंगे कि किस तरह से अंदर मंदिर के अंदर भी भीड़ आप सबको देखने को मिलेगा अंदर। हालांकि मंदिर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था गाइस, क्या ही बताएं, वो आप सब खुद ही देख लीजिएगा। और देख सकते यहाँ पे एक बड़ा सा घंटी लगाया गया है जो काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में और बजने के बाद भी और ही अच्छा लगता है। और देख सकते हैं किस तरह का क्राउड है मंदिर के अंदर। तो गाइस मंदिर में जल चढ़ाकर जब आप मंदिर के गेट से बाहर निकलते हो तो आपको व्यू कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का लगता है मंदिर पीछे से। और ये अभी ख़त्म नहीं होगा गाइस, अभी आपको बहुत सारे मंदिर अभी देखने को बाकी है। जैसा कि देख सकते हैं ये राधा कृष्ण का मंदिर, और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है। तो इस तरह का मंदिर आप सबको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसा कि देख सकते हैं किस तरह से पूजा किया जा रहा है यहाँ पर, और इधर भी देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है और यहाँ भी पूजा हो रहा है। और इस तरह से पूजा करते हुए आप इधर अगले गेट से निकल जाना है, और निकलने के बाद देख सकते हैं इधर भी एक मंदिर है छोटा सा। तो गाइस इसी तरह का मंदिर जो कि है आप सबको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे बूढ़ानाथ मंदिर के अंदर। और देख सकते हैं यहाँ पे भी एक शिवलिंग है और यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है और इसके बगल में भी एक मंदिर है देख सकते हैं यहाँ पे। तो छोटा छोटा मंदिर है इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। अगर आप सबको ज़्यादा इच्छा हो रही है देखने का तो आप खुद आ सकते हैं। जैसा कि ये भागलपुर में स्थित एक बूढ़ानाथ का मंदिर है जो कि भागलपुर वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास और दिल के करीब ये मंदिर है। और देख सकते हैं यहाँ पे भी दो शिवलिंग है और इधर पूजा करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी है और सामने भी एक शिवलिंग है एक छोटा सा। यहाँ पे पूजा करने के बाद आपको वापस आ जाना है, और वापस आने के बाद यहाँ पे एक गेट मिलेगा और गेट से अंदर चलिएगा तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा एक मंदिर दिखेगा, जहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये भी हालांकि पता नहीं चला कि कौन से भगवान का है, लेकिन हालांकि जिसको पता है वो नीचे कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे इससे बाहर निकलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक आप सबको झूमर देखने को मिलेगा, और झूमर के ठीक नीचे देख सकते हैं बहुत सारे जो कि श्रद्धालु लोग हैं फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और बाहर आने के बाद आप सबको देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आप सबको व्यू है। तो गाइस जैसा कि आप सबने देखा कि मैंने आप सबको मंदिर का पूरा टूर करवा दिया। आई होप ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा डमरू है जो कि पानी का टंकी है, और सामने जाएंगे तो एक और रास्ता आप सबको देखने को मिलेगा। तो गाइस चलिए चलते हैं, वो भी रास्ता मैं आप सबको दिखा देता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं बगल में किस तरह से पान प्रसाद का भी यहाँ पर आप सबको दुकान देखने को मिल जाएंगे। और पूजा करना हो तो आप यहाँ से भी प्रसाद खरीद करके आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ये जो कि है मेन गेट है, हालांकि इस गेट से प्रवेश करने नहीं दिया, मतलब इस गेट से सिर्फ निकलना जो कि था वो था, लेकिन यहाँ पे अभी देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है। और ये देखते हैं किस तरह से प्यारा मंदिर है गाइस।